ठीक है भाई, ठीक है। टूटा है पाहुल का घमंड और खेल दी है लॉर्ड रियान पराग ने द बेस्ट आईपीएल इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ। मुझे पता है भाई, तुम कल से सिर्फ इसी वीडियो का इंतजार कर रहे थे। मैंने भी ऑनेस्टली कभी नहीं सोचा था कि भाई बटलर, सैमसन, जयसवाल, इन सब के होते हुए रियान पराग सबसे ज्यादा रन मारने वाला है राजस्थान रॉयल्स के लिए। कल के मैच में ही दिल्ली के अगेंस्ट इतने रन मार दिए जितने पिछले पूरे सीजन में नहीं मारे थे। भाई मुझे कल से इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस, यूट्यूब पे इतने सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं कि अब तो वीडियो बनानी पड़ेगी, वीडियो बनाओ, माफी मांगो इस बंदे से। वैसे मुझे कभी मैसेज नहीं करते, कल से लगे पड़े हैं सब मेरे को माफी मंगवाने में। अच्छा बात नहीं है। ठीक है भाई, आई थिंक इट्स फेयर ओनली कि आज मैं रियान पराग से अपने सारे जोक्स और ट्रोलिंग के लिए हाथ जोड़ के माफी मांगू। दिस इज एन अपॉलॉजी वीडियो टू रियान पराग। मुझे माफ कर दो रियान भाई कि मैंने आपको गलत समझा। आई वॉजंट फेमिलियर विद योर गेम। मुझे शुरू में लगता था कि आप सिर्फ अपना करियर और राजस्थान की टीम को फिनिश कर सकते हो, लेकिन आप तो एक्चुअली उनके लिए अच्छी फिनिशिंग करने लग गए हो। आप ट्रूली भाई महान तो गए कि बंदे ने कल एक ही इनिंग से सारे हेटर्स और ट्रोलर्स को एक साथ चुप करा दिया। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, अगर झुके रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूत पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी। एंड कूडोस टू राजस्थान की मैनेजमेंट भाई, जिन्होंने उस पर अभी तक ट्रस्ट दिखा के रखा और अब फाइनली वो उनको दे रहे रिजल्ट्स। विश्वास नहीं हो रहा अभी तक कि ऑरेंज कैप पे नंबर 2 पे बैठा हुआ है, विराट कोहली से ऊपर। और ये मैच अगर तुमने देखा है तो तुम्हें पता ही होगा, दिल्ली वर्सेस राजस्थान नहीं था, ये रियान वर्सेस दिल्ली था। 1-11 खेल के आया कल ये बंदा, 186 का स्ट्राइक रेट, और कल आखिरी ओवर में दिल्ली के बेस्ट बॉलर नौखिये को एक ही ओवर में 25 रन मार दिए। जिस फॉर्म में लग रहा है, जितनी अच्छी हिटिंग कर रहा है, जितने सिक्सेस लगा रहा है इस सीजन, तो लग रहा है कि ये ट्वीट सच होने ही वाला है यार। 36 पे 3 हो गई थी राजस्थान की टीम, वहां से आके इसने टीम को एंकर किया और फिर लास्ट के ओवर में फिनिशिंग भी करके दिखा दी। एक टाइम पे 26 बॉलों में बना के बैठा था और एंड में इसका स्कोर 84 रन इन 45 बॉल्स। सीरियसली भाई, ये तो बीस्ट मोड की हिटिंग थी। और मैंने तो लास्ट वीडियो में ये भी बोला था कि एक इनिंग्स में मार दिए ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंटली मारेगा तब कुछ बात बनेगी। और अब तो 2 मैच में लगातार हो गया, उससे जो कॉन्फिडेंस मिला होगा शायद आगे जाके भी पूरे सीजन में हेल्प करे। एंड क्या पता भाई, रियान पराग ऑरेंज कैप ही जीत जाए इस बार। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बट अभी लग रहा है कुछ भी कर सकता है, तो कुछ बोल नहीं सकते। और देखो, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने आज तक कभी भी रियान पराग को हेट नहीं किया है, मैं हमेशा से उसको सिर्फ ट्रोल करता आया हूँ। और अब मैं खुद हो रहा हूँ जब वो रन मार रहा है, और कल जब वो फिर से रन नहीं मारेगा तो फिर मुझे ट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा चलता रहता है, उलट पुलट होता है। या या या। पर हाँ भाई, इस चीज का क्रेडिट मैं नहीं छोड़ने वाला कि मैंने रेकमेंड किया था इसको नंबर 4 पे खिलाओ। मैंने कभी भी नहीं बोला था इसको ड्रॉप कर देना इस सीजन, बट खिलाओगे तो नंबर 4 पे खिलाना। और देख लो भाई, नंबर 4 पे बंदा छाया हुआ है इस समय। लो भाई, अब एक और प्लेयर T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑडिशन देके जा चुका है, और इस टीम में एक्चुअली जिससे सबको उम्मीद थी अच्छी परफॉर्मेंस की, वो भी थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। जयसवाल भाई, आप डराओ मत, हम तो आपको ओपनर मान चुके थे जितने अच्छे आप फॉर्म में थे, तो अब अच्छे फॉर्म में वापस आ जाओ, वर्ल्ड कप पास आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। और यार तुम ये सब छोड़ो, मुझे कोई ये समझाए कि ये अश्विन अन्ना हर साल वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में कैसे आ जाते हैं। 5 नंबर पे आके 29 रन मारे 19 बॉल्स में, 150 का स्ट्राइक रेट, ये तो हार्दिक पांड्या से भी बेटर फिनिशिंग कर दी बंदे ने। 3 सिक्सेस लगा दिए और उसमें से एक कुलदीप यादव को। भाई साहब, अश्विन अन्ना का 1000 IQ है, एक तीर से 2 निशाने मारे सीधा। बैटिंग का ऑडिशन तो हो ही गया वर्ल्ड कप के लिए, और जो कॉम्पिटिशन बॉलर था उसकी भी इकोनॉमी खराब कर दी। पता चले जडेजा, अक्षर, कुलदीप, सुंदर ये सब मेहनत कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, पर एंड में अश्विन अन्ना प्लेन में बैठ के बारबाडोस जा रहे हो, वो भी साइड वाली सीट में डीके के साथ। ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके, मैं तो यही कहूंगा, बीसीसीआई भेजना है भेज दो, ओनली एज अ कमेंटेटर, क्योंकि जिनको एक्चुअली भेजना चाहिए स्पिन में, चहल भाई, उनको तो आपने कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। और माना यार, कुलदीप भाई आपको रन पड़ रहे थे, लेकिन ये आपका DRS मांगने का तरीका थोड़ा ज्यादा कैजुअल लग रहा है। लिटरली ऋषभ पंत के हाथ पकड़ के DRS का साइन करवा दिया। ये तो अच्छा हुआ जॉस बटलर एक्चुअली में आउट निकला, और भाई अच्छा फेवर में गया दिल्ली के, बच गए यार कुलदीप भाई, वरना पंत कल जिस गुस्से में था ना, कुछ भी कर सकता था। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। एक वीडियो थी जिसमें जब पंत भाई आउट होके वापस जा रहे थे, तो क्या फ्रस्ट्रेशन में बैट फेंक के मार रहे थे। टेलीग्राम पे वीडियो डाल दी थी, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा उन्होंने देख ली होगी, बट जिन्होंने नहीं करा ना, उनको बोल रहा हूँ अभी जाओ डिस्क्रिप्शन लिंक से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, वरना ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें मिस आउट करोगे। बट ऑनेस्टली यार, मैच फिनिश नहीं कर पाए, ऋषभ भाई अफेक्टेड तो बहुत लग रहे थे इस चीज से। एंड मैं तो ये मानता हूँ कि उनको थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा वो मैच शार्पनेस वापस आने में। आई थिंक उनको बहुत ज्यादा जल्दी सब कुछ पकड़ा दिया हैंडल करने के लिए, कीपिंग, कैप्टेंसी और बैटिंग, मतलब इतना आसान नहीं होने वाला इतने बड़े टाइम के ब्रेक के बाद। बट फिर भी बंदा कुछ ना कुछ करके मैनेज तो कर ही रहा है अभी। तो भाई ठीक है, खराब खेले, लेकिन जोक्स बनाना सही नहीं होगा। आई थिंक पंत भाई को टाइम देते हैं,
आ जाएगा बंदा फॉर्म में। मेरी तो ऑनेस्टली ऋषभ भाई फर्स्ट चॉइस कीपर है फॉर T20 वर्ल्ड कप, अगर अच्छा खेल लेते हैं तो। बाकी इनकी पूरी बैटिंग तो तीनों फॉरेन बैट्समैन पे ही डिपेंडेंट थी, इंडियन बैट्समैन ने कुछ खास करा ही नहीं। यार पृथ्वी शॉ के साथ क्या हो रहा है, सब लगे हुए T20 वर्ल्ड कप को ऑडिशन देने में। अब तो लॉर्ड रियान ने भी कमबैक कर ली है, पर इन भाई को तो चांस ही नहीं मिल रहा है। ज्यादा रिलेट तो नहीं कर सकता, लेकिन पृथ्वी शॉ रिप्रेजेंट्स मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स, ना हेयर फॉल रुक रहा है और ना ही डाउनफॉल। मैंने तो पहले ही कहा था यार ये रिकी भुई को पता नहीं क्यों खिला रहे हैं, जब तक दिल्ली कैपिटल्स पृथ्वी शॉ या यश धुल को चांस नहीं देगी ये जीतना डिजर्व ही नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि दिल्ली जीतेगी, और देखा जाए तो एक तरह से मेरी प्रिडिक्शन सही हो गई, मतलब राजस्थान की आधी टीम तो दिल्ली है। हेथमेयर, पावेल, बोल्ट, अश्विन, आवेश, ये सब एक्स दिल्ली प्लेयर्स ही तो है। मेरे को तो अभी से दिख रहा है बापू इतनी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक हो ही रही है, लेकिन फिर भी T20 वर्ल्ड कप तो अश्विन अन्ना ही जाएंगे। okay, thank you. आवेश भाई आप तो मतलब एक्चुअली में अच्छे फिनिशर बनते जा रहे हो, अलग ही ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हो अपनी एक्स टीम को पेलने का। पहले LSG को हराया और अब DC को हरा दिया, दोनों मैचेस में लास्ट ओवर डालने को मिला और भाई जिता दिया बंदे ने मैच। जब से RCB के होप्स फिनिश कर रहे तब से बंदा एक्चुअली गेम्स फिनिश कर रहा है अपनी टीम के लिए। यार दोस्तों मेरे साथ एक्चुअली बहुत बुरा हो रहा है, आवेश भी अच्छा खेलने लग गया और रियान भी खेलने लग गया, किसको ट्रोल करूं भाई? यार ये सीरियस कंसर्न है, मैं जोक्स किस पे लिखूंगा, ये तो मेरा करियर रुकवा देंगे अच्छा खेल के। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? और बोल्ट भाई कैसा लग रहा है इस बार नॉर्मल बॉलर की तरह क्रिकेट खेल के, वरना आप तो फुटबॉल में ही लग रहते थे। अच्छा बाबू फुटबॉल खेल रहे थे तुम लोग? तो फुटबॉल क्यों खेल रहे थे? रोनाल्डो बनेंगे IPL में जाएंगे। नरेंद्र बर्गर ने भी राजस्थान के लिए काफी अच्छी बॉलिंग करी और इंपॉर्टेंट विकेट्स भी ली। होली के बाद से खुद के बालों का रंग अभी तक नहीं उतरा और यहाँ इसने दिल्ली को बेरंग कर दिया। ओहो भाई क्या डीप जोक मारा है। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ यार इसको तो नाम में ही बर्गर है, तो संजू सैमसन अगर इसको कभी बुलाते होंगे कि ये बर्गर एक ओवर डाल दे आके, तो भाई को भूख नहीं लग जाती क्या? मतलब मुझे तो अभी से ही लग रही है बोलते हुए, खा के आता हूँ। देखो यार अब इतना ही था इस मैच में बात करने के लिए, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। जब जय शाह ने खुद मेहनत नहीं करी इसकी स्क्रिप्ट में तो मैं क्यों करूं अपनी स्क्रिप्ट में? सबको पता है मोटा भाई इस मैच के लिए लीव पे थे और वो तैयारी कर रहे थे RCB वर्सेस KKR की जो आज होने वाला है। ओ भाई द रियल एल क्लासिको इज बैक, अब तो गौती भाई आ चुके हैं, अब होगा ना KKR वर्सेस RCB में मुकाबला। भाई यश वर्सेस रिंकू, कोहली वर्सेस गंभीर, रसल वर्सेस एनी बॉलर ही फेसेस, मतलब RCB का फायर पैक्ड बैटिंग ऑर्डर अगेंस्ट इनएक्सपीरियंस बॉलिंग ऑफ KKR अगेन RCB की रन लीकिंग बोलेंगे अगेन द पावर हिटिंग ऑफ KKR, और ये सब इन्होंने चिन्ना स्वामी में रख दिया। भाई साहब राड़ा होने वाला है आज तो। वैसे तुम्हारे भाई ने RCB से रिलेटेड इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी और अब वो वायरल भी हो गई है, जाके देख लेना और इंस्टाग्राम का फॉलो बटन भी दबा देना। अब देखो प्रेडिक्शंस पे आए तो KKR वर्सेस RCB में मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ RCB जीत रही है। अभी तक भाई होम ग्राउंड में जो खेल रही है टीम वो मैच हार ही नहीं रही है, और हो सकता है इस मैच में भी ट्रू हो जाए। और अपने को इतना तो पता है कि भाई मैच कोई भी जीते एंटरटेनमेंट फुल ऑन मिलने वाला है इस मैच में। कल की वेदर रिपोर्ट मुझे बता रही है कि लफड़ा होने के चांसेस 110% है। और विराट कोहली पूरा सीजन चले ना चले लेकिन अपने नेमेसिस के सामने गौती भाई के सामने तो ये रन मारेगा ही मारेगा। मेरी फैंटेसी टीम इस मैच के लिए ये होने वाली है, तुम लोग चेंजेस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अपनी प्रेडिक्शंस भी बता देना। मिलते हैं कल की क्रेजी वीडियो के साथ, पता नहीं भाई क्या होने वाला है। तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑलरेडी नोटिफिकेशंस भी दबा देना ताकि तुम्हें पता लग जाए वीडियो जब आएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। क्रिकेट देखते हो आप लोग? जी हाँ। क्रिकेट में आपके बेस्ट ओपनर कौन है? जैसी भी जयसवाल।